जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज है संडे और कल था सैटरडे। कल ब्लॉग डाला था ना मैंने, छोटा सा, टाइम ही नहीं लगता है ब्लॉग बनाने का। तो संडे अभी 11 बज रहे, करेंट नहा धो लिया है पर अभी घर पे पूजा पाठ हो गई है। दरबार में भी रावत जी जा रखे हैं पूजा करने के लिए और कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। तो चलो अब बना रहे हैं हम खिचड़ी। ठीक है, ये सारी सब्जियां इसमें बीन्स है, मूली है, सब कुछ मिक्स करके खिचड़ी बना रही हूँ। ये टमाटर रखे हैं और थोड़ा सा हम डालेंगे मूंग की दाल, क्योंकि ये मेरी बेटी के लिए खिचड़ी बन रही है, उसे पीलिया हो रखा है तो उसको ज़्यादा कुछ हैवी देना नहीं है। खिचड़ी में ये सब कुछ अच्छे से घोल दूंगी ना, बारीक करके, और पतली पतली सी बनाऊंगी ताकि वो खा सके। ठीक है, चलो बनाते हैं अब खिचड़ी। चलो भाई माज लेते हैं बर्तन। खिचड़ी तो डाल दिए मैंने, ये आ गई है देखो भाई, फिर से मूली के पत्ते। ओसी अचू क्या कर लिए है? ये देखो हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है और पहले हमारे ठाकुर जी खाएंगे, कान्हा जी के लिए ले जाते हैं खिचड़ी, फिर टीशा को देते हैं। टीशा पसंद आएगी तुझे खिचड़ी? ऐसी खिचड़ी खानी पड़ेगी भाई, इसमें सब्जियां हैं खूब सारी है ना। तो अभी रात के हो रहे 10:30 और आज है सोमवार। कल से सोचा था ब्लॉग बनाने का, कल सुबह थोड़ा सा बनाया, उसके बाद मेहमान आ गए, क्योंकि हमारे पहाड़ियों में ऐसा होता है भाई, अगर कोई बीमार हो गया, कुछ भी दिक्कत होगी तो सारे रिश्तेदार आस पड़ोस के सब आते हैं। और क्योंकि टीसा की हो रखी है तबीयत खराब। टीसा ठीक है अब? हाँ ठीक है। माता रानी ने भी परसों शनिवार को, अभी इतना चेहरा काला सा क्यों आ रहा है? माता रानी ने भी झाड़ू लगाया था इसको, अब दरबार में भी पीलिए का झाड़ू लगेगा, क्योंकि मैंने सावन का जो एक महीने का व्रत लिया था उसमें मुझे मंत्र मिला था, एक सपने में मतलब मंत्र बोला गया था मेरे कान में, पर मुझे पता नहीं था कि वो पीलिए का है। फिर परसों शनिवार को माता रानी ने बोला कि पीलिए का है वो मंत्र, मेरे को अच्छे से सिद्ध करके झाड़ू लगाना है। तो अभी मैंने उतना अभी मिला था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, सिद्ध तो अभी किया नहीं, टाइम लगेगा। इसे लग गया जुखाम, छींची कर रही है जैसे, ये बच्चे ऐसे है। थोड़ा सा आज दिन का मैंने लिया था, उसके बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर सामान सुमून लेने। कल सुबह की वो खिचड़ी वाले आपने देखा था, फिर मेहमान आ गए तो सारा दिन ऐसे चले गया। तो कल से लेके आज तक थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मैं। अभी 10:30 हो रखे हैं, रावत जी नीचे ऑस्कर को ले गए हैं, उसका वॉक करने का टाइम हो गया है, खाना खाने के बाद उसको 10:30-11 बजे हम ले जाते हैं और सुबह 4 बजे ले जाते हैं। तो इसे पीलिया और का आजकल खाना ऐसे सिंपल सा बनता है, घिया तोरी, क्योंकि पीलिया में बोलते हैं कि हल्दी नहीं खाते हैं और तेल अगरह नहीं खाते हैं तला भुना, तो खिचड़ी बनती है, कभी घिया की सब्जी बनती है, ऐसा इसके लिए बन रहा है। नारियल पानी पीती है, और क्या पीती है टीसा तो? नारियल पानी के साथ गन्ने का जूस और मूली। तो पीलिया में ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, वैसे तो ये अब ठीक है माता रानी की कृपा से, मौसमी अग्रह सब खा रही है। तो अब मंगल और शनि पीलिए का झाड़ा दरबार में भी लगेगा, ठीक है जी। और हाँ, कुछ लोग पुराने वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि आप पहले मीट मांस जो है खाते थे मतलब,
अब नहीं खाते। तो अब क्या 3 साल हो गए माता रानी जब से हमारे घर में आई है। मैं 5-6 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ब्लॉग पड़े हैं पहले के भी, पहले हम खाते थे, तो अब नहीं खाते हैं। क्योंकि जब माता रानी आई तो हमने सब कुछ छोड़ दिया। अब लड्डू गोपाल जी भी हैं घर में और वैष्णवी भी है, तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया मैंने। अब बच्चों के लिए, अभी ये बीमार हुई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, कम से कम लहसुन प्याज तो खिलाओ बच्चों को। तो अब ला रखी हूँ थोड़ा सा लहसुन प्याज, अभी भी मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है। जो हम खाते हैं वो हम अपने ठाकुर जी और माँ पिताजी को देते हैं, तो इसलिए डालना ही भूल जाती हूँ। अब ला तो रखी हूँ फिर भूल जाती हूँ, तो इनको सलाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा मैं एक दाना प्याज काट के दे देती हूँ। और लहसुन का आज बहुत दिनों बाद मैंने फिर छौंका लगाया था ठाकुर जी के लिए अलग से निकाल के उसके बाद। तो जब से माता रानी आई है सब कुछ छूट गया और काफ़ी चेंज आ गया। आप लोग ब्लॉग देख ही रहे होंगे, पहले कैसे ब्लॉग थे, अब कैसे थे। अब जब माँ के भक्ति में भाई हम डूब गए, तो कान्हा जी के भी, ठाकुर जी और माता रानी के दोनों की सेवा करती हूँ मैं अच्छे से। और ब्लॉग मिलेंगे आप लोगों को जय माँ भगवती काली देवभूमि दरबार जो चैनल है उस पर, आप लोगों को दरबार की वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और घर की भी जब टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है, दरबार भी हो गया, 2 दिन दरबार लगता है। और अभी तो खैर शनिवार का कर रखा है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी इसका ध्यान देना जरूरी है, तो शनिवार का कर रखा है कुछ दिनों तक। और फिर मंगलवार का बाद में शुरू हो जाएगा अगर ये ठीक हो जाएगी तो। तो अब जो शनिवार आएगा उस दिन दरबार लगेगा, जो भी मैं यहाँ पे वीडियो देखेंगे ब्लॉग देखेंगे वो शनिवार को दरबार पहुँचे। और दरबार में वैसे तो झाड़ा लगता है, लेकिन पीलिए का भी झाड़ा अब दरबार में लगेगा शनिवार मंगलवार। और 3 साल हमको अब हो चुके हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। तो पुरानी वीडियो देख के लोग बोलते हैं कि पहले खाते थे एकदम से क्या हुआ। तो बाकी की माता रानी कैसे आई, क्या हुआ, गति कैसे लगी, वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी धीरे धीरे करके। चाहे मैं इस चैनल पर बताऊँ, चाहे मैं जय माँ भगवती काली देवभूमि दरबार चैनल पर बताऊँगी, लेकिन अच्छे से आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि मुझे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कमेंट आते हैं तो लगता है कि हाँ बताना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले अलग था, एकदम से कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा मुझे टाइम आने पे। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से, और जय माँ भगवती काली देवभूमि दरबार पे जाके भी वहाँ पे भी चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको दरबार से रिलेटिव जो है वीडियो वगैरह मिलेंगी, ठीक है ना। पूछा कि भी कुछ कुछ डालती हूँ जो भी दरबार में होता है, तो पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत जो अच्छी सी चीज़ें होती हैं डालने के लायक वो डाल देते हैं, ठीक है। तो सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। ऑस्कर आने वाला होगा हमारा अभी, और फिर उसके हाथ पैर साफ करने पड़ते हैं। और ठाकुर जी, लाला जी, सब माँ पिताजी सब सो चुके हैं, हमने भी डिनर कर लिया है। डिनर में हमने बनाया था घिया की सब्जी और रायता, क्योंकि आजकल घिया तोरी ही खा रहे हैं। अब ये खाती नहीं है तो फिर हमारा मन भी नहीं करता अच्छा सा खाने को। जब तक ये घिया तोरी खिचड़ी खा रही है तो हम भी घिया तोरी खिचड़ी खाएंगे, हैं टीसा, नहीं तो टीसा का भी मन कर लेगा। तो चलो सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। सभी बच्चे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे।